हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द हरी फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा जो है वो एक्चुअली दो फेज से अकर होता है, जैसे कि अर्ली फेज रिएक्शन और लेट फेज रिएक्शन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब इसके बारे में एक एक करके। तो पहले जान लेते हैं कि अर्ली फेज रिएक्शन में क्या होता है। ओके, एक्सपोजर टू एन एंटीजन कॉजेस क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ई बाउंड टू द सरफेस ऑफ मार्स सेल्स एंड रेंडर्स देम मोर सेंसिटिव टू द रिएक्टिवेशन। ए क्लिनिकल एक्यूट अटैक इज प्रोड्यूस व्हेन ए कंकरेंट एंटीजन बाइंड टू द मार्स सेल विच गेट एक्टिवेटेड एंड डीग्रैनुलेटेड with the release of histamine and various cytokines. This causes immediate bronchial reaction. This is called as early phase reaction, leading to bronchospasm, increased capillary permeability, oedema and chemotaxis with consequent influx of more inflammatory cells into the wall of the bronchial. तो यह था early phase reaction। तो अब इस डायग्राम के जरिए हम देखते हैं कि अर्ली फेज रिएक्शन कैसे अकर होता है। ओके, तो पहले मैं इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूं। यह जो राउंड शेप में आपको दिख रहा है इसे हम मार्स सेल कहते हैं। ओके, मार्स सेल के सरफेस पर जो वाई शेप स्ट्रक्चर से बना हुआ है इसे हम IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर कहते हैं। ओके, और अंदर यानी कि मार्स सेल के अंदर ये जो राउंड शेप में है इसे हम ग्रैनुल्स कहते हैं, जिसमें हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स यानी कि हिस्टामाइन एड और ल्यूकोट्रिन जैसे कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट रहता है। ओके, तो चलिए आप स्टेप वाइज एक एक करके बता दूं। ओके, तो पहले क्या होता है, एलर्जेंस यानी कि एंडोजेनियस हो सकता है या इन्वायरमेंटल एलर्जेंस हो सकता है। जब यही एलर्जेंस इस IgE यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होता है तब क्या होता है, ये दो यानी कि 2 IgE रिसेप्टर के अंदर एक सर्किट फॉर्म हो जाता है। ओके, सर्किट फॉर्म हो जाने से क्या होता है, ये जो मार्स सेल का सरफेस है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ये जो एलर्जेंस है वो मार्स सेल के अंदर आकर इस ग्रैनुल्स को डीग्रैनुलेट यानी कि इसे भी ब्रेक कर देता है। ये ग्रैनुल्स ब्रेक होने के बाद इसके अंदर जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रेजेंट रहता है वो रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद वो ब्रोंकाई में जाकर डायरेक्टली एक्ट करता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम और एक डायग्राम के जरिए देखेंगे। तो यह है पहले हमारे नॉर्मल एयरवे यानी कि ब्रोंकल अस्थमा अकर होने से पहले और यह है अस्थमेटिक एयरवे यानी कि ब्रोंकल अस्थमा अकर होने के बाद। ओके, तो इस डायग्राम के बारे में थोड़ा बता दूँ। यह जो स्पेस है इसे हम ल्यूमेन कहते हैं, उसके बाद के लेयर को हम एपिथेलियम, देन आफ्टर इसे हम कहते हैं म्यूकोसा एंड फाइनली जो लेयर है उसे हम स्मूथ मजल कहते हैं। ओके, तो पहला हमारा यह जो हिस्टामाइन रिलीज होकर ब्रोंकाई पर एक्ट कर रहा था वो क्या करता है, इस ब्रोंकाई में डायरेक्ट एक्ट करके ये जो ल्यूमेन है इसे कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद क्या होता है, इधर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में यानी कि अस्थमेटिक एयरवे में ये ल्यूमेन छोटा हो जाता है यानी कि ल्यूमेन कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे इंडिविजुअल को सांस लेने में तकलीफ होता है और ब्रोंकल अस्थमा प्रोड्यूस होता है। तो ये था अर्ली फेज रिएक्शन के बारे में। ओके, तो ये जो अर्ली फेज रिएक्शन है वो एक्चुअली इमीडिएटली रिएक्ट करता है। इसके बाद के लेट फेज रिएक्शन जो है वो इस इमीडिएट रिएक्शन के 3 या 4 घंटे बाद स्टार्ट होता है। तो चलिए आप देख लेते हैं उस लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है। The newly arrived cell release inflammatory mediators such as PG यानी कि prostaglandins and LT यानी कि leukotrienes which aggravate the airway inflammation and cause more sustained bronchoconstriction. This is called as late phase reaction. The finally common pathway for clinical attack of asthma is the release of various mediators from a variety of inflammatory cells. तो फिर से एक बार चलते हैं उस डायग्राम की तरफ और देखेंगे कि लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है। ओके, तो पहले फेज रिएक्शन में हमारा जो ल्यूमेन साइज है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है यानी कि डायमीटर छोटा हो जाता है। ओके, बाद में क्या होता है, जब हमारा लेट फेज रिएक्शन यानी कि 4 या 5 घंटे बाद जब ये लेट फेज रिएक्शन अकर होता है
तो हमारा जो मार्श सेल्स है, हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स यानी कि स्टमाइन या ल्यूकोट्रिन रिलीज हो रहा था, वो क्या होता है एक्चुअली कॉन्सिक्वेंट इन्फ्लेक्स ऑफ मोर इन्फ्लेमेटरी सेल इनटू द वॉल ऑफ द ब्रोंकाई। ओके, तो ये जो ब्रोंकाई है इसके वॉल में वो इन्फ्लेमेटरी सेल जमा हो जाता है। ओके, जिसके कारण 4 या 5 घंटे बाद जब न्यूली अराइव सेल यानी कि जब नए सेल्स उस ब्रोंकाई में आते हैं तब वो क्या रिलीज करता है, पीजी एंड ल्यूकोट्रिन्स। ओके, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्रिन्स, दिस इज ऑल्सो ए इन्फ्लेमेटरी सेल्स। ओके, वो क्या करता है, लुमेन को और भी कंस्ट्रिक्ट कर देता है और जो इपिथिलियम है इसको ब्रेक करके म्यूकस का सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है इस लुमेन में इडिमा का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ओके, जिसके कारण से हमारा जो एयर ट्यूब है उसका डायमीटर बहुत छोटा हो जाता है, उसी वजह से हमें सांस लेने में यानी कि इंडिविजुअल को सांस लेने में बहुत तकलीफ होते हैं। तो यह था लेट फेज रिएक्शन के बारे में। तो मैं जनरल में बता दूं अर्ली फेज रिएक्शन में क्या हो रहा था, जब हमारे एलर्जेंस हमारे आईजी से बाइंड होकर इस मार्श सेल के सरफेस को ब्रेक करके अंदर आने के बाद इस ग्रैनुल्स को डीग्रैनुलेट करके इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे कि स्टमाइन एंड ल्यूकोट्रिन रिलीज कर रहे हैं। रिलीज करने के बाद क्या हो रहा है, इस ब्रोंकाई पर एक्शन यानी कि एक्ट करके इस ब्रोंकाई को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है यानी कि उसके लुमेन साइज को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिससे हमारा इमीडिएट फेज यानी कि अर्ली फेज रिएक्शन अकर हो रहा है। ओके, अर्ली फेज रिएक्शन में जो इन्फ्लेमेटरी सेल रिलीज हो रहा था वो इस ब्रोंकाई के वॉल्स पर आके जमा हो जा रहा था यानी कि एक्यूमुलेट हो जा रहा था। ओके, उसके बाद लेट फेज रिएक्शन में न्यूली अराइव्ड सेल यानी कि जो नए इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो इस म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ा देता है यानी कि इंक्रीज कर देता है और ये जो लुमेन है इसके अंदर एडिमा प्रोड्यूस कर देता है यानी कि एडिमा का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो एयर ट्यूब है यानी जिसके जरिए हम सांस लेते हैं उसका डायमीटर छोटा हो जाता है, इसी वजह से इंडिविजुअल में ब्रोंकल अस्थमा आकर होता है। ओके, तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा के बारे में, उसमें हमने देखे कि अर्ली फेज रिएक्शन में क्या होता है और लेट फेज रिएक्शन में क्या होता है। ओके, तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा यानी कि इस प्रोसेस को आप इस डायग्राम के जरिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें भी हमें एंटीजन हमारे आईजी रिसेप्टर पर आके बाइंड हो रहा है, उसके बाद ये जो ग्रैनुल्स है वो डीग्रैनुलेट होता है, डीग्रैनुलेशन होने के बाद हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे कि स्टमाइन ल्यूकोट्रिन साइटोकिन्स रिलीज होता है ग्रैनुल्स से, उसके बाद हमें इमीडिएट रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। इमीडिएट रिएक्शन होने के बाद बाकी के जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है वो यानी कि ब्रोंकाई के ऑल में इन्फ्लेक्स यानी कि जमा हो जाता है। ओके, जमा होने के बाद तो कुछ घंटे बाद जब न्यू सेल अराइव होता है वो इस मीडिएटर को रिलीज करता है यानी कि बाकी के इन्फ्लेमेटरी सेल जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज करता है। रिलीज होने के बाद ये लेट फेज रिएक्शन अकर होता है। ओके, तो आप इस डायग्राम से भी इस पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।